देख सकते हो जैसे कि बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा ही बारिश गिर रहा है, लेकिन हम इतना रिस्क नहीं ले सकते कि 2-3 किलोमीटर जाए, और उधर कुछ रुकने के लिए प्लेस भी नहीं है। तो बेसिकली हम अभी क्या करेंगे, हम अभी होम वर्कआउट ही करेंगे, तो ट्राइसेप्स का आज करेंगे, ठीक है, देन हमारा बाइसेप्स का करेंगे, और इस बार कुछ हैवी लिफ्टिंग करेंगे। तो नॉर्मली जो हमारा गैस रहता है ना, ठीक है, तो वो गैस से वर्कआउट करेगा आज, ठीक और ट्राई करेंगे 100 रेप्स के लिए, ठीक है, मिला के ओवरऑल ट्राइसेप्स और बाइसेप्स का। तो देखते हैं, अगर उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा भी कर लेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ वर्कआउट तो होगा नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है और कुछ इक्विपमेंट भी नहीं है, ठीक है। बेसिकली वही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज और एक चीज़ सीख लोगे कि अगर कुछ इक्विपमेंट नहीं रहेगा तो बिना इक्विपमेंट के भी कैसे वर्कआउट करते हैं, जो होम में नॉर्मली मिल ही जाता है इक्विपमेंट, जैसे कि गैस या फिर और कुछ, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं हमारा वर्कआउट, और टाइम आप देख चुके होगे, ठीक है। तो ओवरऑल 45 मिनट करेंगे, उससे पहले हम वार्म अप करेंगे, क्योंकि हम वार्म अप किए नहीं है इस बार, तो वार्म अप थोड़ा दिखा देता हूँ कि कैसे वार्म अप करते हैं। पहले फ्री करते हैं बॉडी को, तो ये एक वार्म अप वर्कआउट रहता है, ठीक है, तो जिसमें आप फ्लेक्सिबल करोगे बॉडी को, तो आपका जो बॉडी पेन होगा उसके बाद, मतलब वर्कआउट के बाद जो बॉडी पेन होगा वो नहीं होगा, जो हवा रह जाता है बोलते हैं, तो वो जो होगा वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जितना हो सके स्ट्रेच वो सब करो, ठीक है। अभी इधर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मेरे हाइट की वजह से, तो जैसे कि देख सकते हो मैं हर बॉडी पार्ट को थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ, थोड़ा गर्म कर रहा हूँ, वार्म अप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी एक हैवी लिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा अगर हैवी चीज़ अगर उठा रहे हो या हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो तो तभी ये सब करना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये सब नहीं करोगे, ठीक है। और गैस ओवरऑल ये मैं ठीक स्पीड में आपको दिखा रहा हूँ, तो आप जितने स्लो करोगे उतना अच्छा रहेगा, पूरा बॉडी को आपको फ्लेक्सिबल बनाना है, ठीक है। जब आपको हीटिंग जैसा लगेगा वार्म अप करने के बाद, अंदर से थोड़ा गर्म लगेगा, तब आप रुक सकते हो। बेसिकली मैं थोड़ा ज़्यादा वार्म अप करता हूँ, मिनिमम 15 मिनट तक, ठीक है, 10 से 15 मिनट करता हूँ, उसके बाद मैं वर्कआउट करता हूँ जिससे एक अच्छा से पंप आता है, ठीक है। और गाइस आपको बीच बीच में पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेट का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इससे अच्छा है आप बीच बीच में पानी थोड़ा पी लो। आप एक वर्कआउट के अंदर 1 लीटर से 2 लीटर आराम से पी सकते हो, आपके बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, और पंप भी जो होगा वो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा अगर आप पानी कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन लिमिट के हिसाब से।
और गाइस ट्राई करो कि जितना हो सके आप पानी पी लो, दो दो सेट या तीन सेट के बाद एक दो सिप एटलीस्ट पीने के लिए ट्राई करो। और गाइस मेन जो होता है वो आपका होता है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर अगर ठीक रहेगा तो आपका ओवरऑल जो बॉडी वर्कआउट रहेगा प्रॉपर रहेगा। तो आप वाइड भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल कर सकते हो। वाइड करोगे तो आपको एक ग्रिप मिलेगा, देख सकते हो गाइस अभी अच्छा खासा ग्रिप मुझे मिल रहा है और पूरा स्टेबल में कर रहा हूँ। और वो वाइड अगर नहीं रहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन वो आपके हिप को टारगेट करेगा। और वाइड करोगे तो उतना हिप को टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि वाइड कर रहे हो तो सिर्फ हिप और आपका जो बैक रहेगा वो स्ट्रक्चर में आएगा। और अगर स्ट्रेट रहोगे तो आपका नीज को भी, मतलब नी होगा आपका, देन हिप होगा और उसके बाद आपका चेस्ट होगा। तो ये तीनों के तीनों वर्कआउट होगा। तो गैस अगर कुछ भी हैवी चीज़ पकड़ के अगर स्क्वाट मारते हो तो ऑटोमेटिक तुम्हारा जो वार्म अप हो जाता है, ठीक है, बॉडी ज़्यादा जल्दी हीट करता है। तो इसीलिए मैं स्क्वाट किया था लगभग 100 टाइम, और वेट में एक गैस्ट्रिक की पूरा था, ठीक है। तो बेसिकली अगर जल्दी हीटअप करना चाहते हो बॉडी को तो तुम लोग ये कर सकते हो।